आलिया भट्ट ने पैरिस फैशन वीक में डेब्यू करके धमाल मचा दिया। हसीना हाल ये लॉरियल ब्रांड का हिस्सा बनी और अब पहली बार वो फैशन वीक का हिस्सा बनकर सबका दिल जीत गए। सोमवार को आलिया ने इतने स्टाइलिश अंदाज में रैंप वॉक किया कि हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। उनके सामने न तो किसी हॉलीवुड हसीना का दम चला, ना ही आलिया ने मेटालिक कॉर्सेट पहनकर रैंप पर जो एंट्री मारी उससे ऐश्वर्या भी चारों खाने चित हो गई। जैसे पहन वो चांदी से चमकी और सबसे अलग नजर आई। ऐसे में अब हर जगह आलिया की ही चर्चे हो रहे हैं। शो के सामने आई तस्वीरों में जहां आलिया सबसे आगे खड़ी हैं, तो बच्चन परिवार की बहू हाथ में गुलाब का फूल लिए पीछे खड़ी दिखाई दी। आलिया ने लॉरियल पैरिस ले जल्फी शो में अपने रनवे डेब्यू के लिए फेमस डिजाइनर गौरव गुप्ता के आउटफिट को चुना, जिसमें कि उन्होंने इंडिया कल्चर वीक 2024 में दिखाया गया था। बता चले कि वहीं इस लुक में एक्ट्रेस को प्रियंका कपाड़िया और मैरा लकड़वाला ने बड़े ही शानदार तरीके से स्टाइल किया। वो सबसे सबको अपनी क्यूटनेस के साथ ही अदाओं से पस्त करती हुई आगे बढ़ती चली गई। और साथ ही बात करें अगर आलिया की, तो आलिया जस्ट अभी हाल ही में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, राहा कपूर और नीतू कपूर 25 सितंबर को यानी कि कल मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच गए, जहाँ पे कपूर फैमिली पैरिस फैशन वीक के लिए गई थी, जहाँ से आज मुंबई वापस आई है। रणबीर की जो तस्वीरें हैं पैप्सी कैमरे में कैद हुई है और उनके साथ ही रणबीर की बेटी यानी कि वाइफ और माँ भी नजर आई है। बात करें रणबीर कपूर ने ग्रे शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, ग्रे कैप और ग्रे कार को पहनी थी। वहीं राहा ने स्काई ब्लू कलर का नाइट सूट पहना है और इस ड्रेस में पापा रणबीर और बेटी राहा काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। आलिया भट्ट ने भी बेज कलर का ट्राउजर जैकेट पहना था, जिसके साथ काला चश्मा गजब भी लग रहा था। वहीं बात करें अगर नीतू कपूर ने, तो नीतू कपूर ने ब्लू जीन्स और ब्लैक जैकेट पहनी है। बहू की तरह ही उन्होंने भी ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था। रणबीर कपूर अपने परिवार के साथ ही वापस आ चुके हैं और अब राहा के पापा मम्मी का फोकस काम पर होने वाला है। इसी के साथ बात करें अगर आलिया भट्ट की, आलिया भट्ट की आने वाले फिल्म जिगरा है, जो कि 11 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और अब वो इसके प्रमोशन में जुट जाएंगे। वहीं रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म रामायण है और जिसकी शूटिंग काफी ज्यादा चल रही है, जारी भी है। और इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें काफी मेहनत भी करनी पड़ी है। इसी के साथ बात करें रणबीर और आलिया की, तो वो अपने अपने फिल्मों में जितने भी बिजी हो, लेकिन हाँ फैमिली को टाइम देना वो बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। फिलहाल राहा का ये आपको क्यूट लुक कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट ऑन लाइव।